लैपटॉप का माइक खराब है। हाँ करो, फोन से ज्वाइन करो करो। यस वेदांत, जब तक सूरज ज्वाइन कर रहे हैं तब तक वेदांत रिवीजन कराइए आप। यस वेदांत, फास्ट, टाइम नहीं है। हाँ यस सर। बोलिए, कुछ तो बोलिए, एनी पॉइंट। सर यस्टरडे वी सॉ अबाउट कोलिजन्स, यस वी लर्न अबाउट इट्स बोथ द टाइप्स, दैट इज इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। ओके देन वी सॉ दैट वी कैन डिफाइन दिस टू कोलिजन्स ऑन ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड ओरिएंटेशन। वेरी गुड, बस चलिए। सूरज, बस बता दो। ओके ठीक है सूरज, योर पॉइंट प्लीज। यस सूरज बताइए। सर कल हमने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ा। हेलो सर, सर कहीं से आ रहा है। सर आपका माइक क्लोज है सर, ऑफ है सर। सूरज अपने आप को एक डिवाइस को ऑफ करो। यस सूरज बताइए। सर्कल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ा हाँ और फिर क्वेश्चंस की ओके डेरिवेशंस की। ओके ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सूरज। ठीक है चलिए, समीर, समीर बताइए। सर कोलिजंस में ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन में हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन था, दो तो तरह हेड के ऑन कोलिजन कोलिजन। होते हैं ना, जब ओरिएंटेशन की बात करें तो दो टाइप्स ऑफ कोलिजन, हेड ऑन एंड ऑब्लिक। वेरी गुड, चलिए रोशन आप बताइए। रोशन, रोशन बताइए फास्ट, लिख के बताओ। चलो रोशन एक पॉइंट लिख के बताइए फास्ट। चलिए रोशन जब तक लिख रहे तब तक आदर्श, आदर्श यस प्लीज। सर वो जो उसने बोला था ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यस और ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी में जब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल सेम होती है बिल्कुल, उसे हम इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, वेरी गुड। और जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती हम उसे इन इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, वेरी और गुड। इन इलास्टिक कोलिजन में बॉडी डिफॉर्म हो जाती है। बस बस ओके चलिए प्रतीक, थैंक यू। अदर्स सर, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स में हम लोग कल जो पढ़ रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल इक्वल होती है, इस वजह से फिर हम लोगों ने दो फॉर्मूलाज डिराइव किए थे, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से बनाया हुआ था फर्स्ट फर्स्ट फॉर्मूला, और सेकंड फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इक्वल है उस हिसाब से बनाया हुआ था, एंड फिर उन दोनों को डिवाइड करके एक नया फॉर्मूला बनाया था हम लोगों ने, U1 - V2 = V2 - V1। वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल पॉइंट। तो कल की क्लास में जो क्रक्स था है ना, कि कोई भी आपके पास छोटा मोटा इलास्टिक सॉरी कोलिजन का क्वेश्चन आया, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन आया तो उसे कैसे सॉल्व करना है, तो हमने देखा था कि उसमें दो पॉइंट्स आने हैं। कौन कौन से पॉइंट? तो पहला तो कि मोमेंटम क्या रहना चाहिए भाई, उसमें कंजर्व होना चाहिए बिकॉज कोलिजन है। मोमेंटम क्यों कंजर्व रहता है? बिकॉज जब भी कुछ टक्कर होती है तो जो टक्कर वाली जो फोर्सेस होती है कैसी होती है? इंटरनल होती है ना, तो इंटरनल होती है तो फिर क्या है भाई, हमें जरूरत नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, इसलिए मोमेंटम कंजर्व होगा पहला। और दूसरा हमने काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों को डिवाइड करके एक फॉर्मूला आया था हमारे पास, U1 - U2 = V2 - V1। तो इसको क्या बोले, इसको बोलते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ओके यस, तो इनको यूज करके दो इक्वेशंस को हम कोई भी कोलिजन का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यस अगला बच्चा, नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट? साक्षी, यस बताइए। साक्षी यस बताइए।
सर हमने फिर डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाया, हाउ डायरेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड v1 एंड v2। यस, क्या था v1 और v2? सर v1 की वैल्यू बताइए, देख के बताइए v1 की वैल्यू। v1 is equal to m1 minus m2 upon m1 plus m2 into u1 yes. plus 2m2 u2 upon m1 plus m2। ओके वेरी गुड। यस साहिल आप बताइए नेक्स्ट पॉइंट फास्ट। सर हमने ये सीखा जब मोमेंटम कंजर्व होता है तब जब A1 ऑब्जेक्ट से मास 1 जो जब वो U1 के स्पीड से जाता है और मास 2 M2 को जब टक्कर कोलाइड होता है सर U2 के स्पीड से तो सर उसका कंजर्वेशन M1 U1 प्लस M2 U2 उनके उसके फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। ओके वेरी गुड, चलिए ठीक है। नेक्स्ट अनुव्रत, अनुव्रत अनुव्रत बताइए। अनुव्रत गौतम आप हैं क्लास में? चलो एब्सेंट हो गया अनुव्रत। चलिए नेक्स्ट कंचन। सर अगर मासेस इक्वल रहेंगे तो v1 की वेलोसिटी v2 के बराबर होगी और v2 की वेलोसिटी v1 के बराबर। यस, जो मासेस इक्वल होंगे और उनमें जब टक्कर होगी वेलोसिटीज विल एक्सचेंज। वेरी गुड। यस हृदय नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपको कुछ नहीं हो रहा तो आप स्टार्टिंग के चैप्टर से बता सकते हो, कोई सा भी पॉइंट बता सकते हो। At the starting, we saw the definition that collision is something which affects the velocity or momentum of one body by another body. Very good. Next, Kaustubh. Yes, sir. बताइए। Sir, head-on collision में sir ये देखा था कि collision is called head-on collision when line of motion and line of impact are very same. Good. Yes. Line of motion और line of impact क्या हो? एक हो। Yes. Next, hello. सर जब हमें क्वेश्चन करना होता है ना सर कोई भी तो हम पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल से एक इक्वेशन बनाकर और फिर सर सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ना फिर उसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। वेरी गुड। मानो मिश्रा कुछ बताएंगे आप बोलेंगे। ओके चलिए युगांश आप बताइए। युगांश सर मैं कल थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था तो सर मुझे स्टार्टिंग का नहीं पता सर। आप कुछ भी आपको कोई सही पॉइंट बोल सकते हैं आप कुछ भी आपने सीखा हो सर मतलब एक्चुअली रिमेम्बर नहीं है सर मैं कल बोलूंगा। ओके चलिए शिवम मोरे फास्ट। कल बोलूंगा सर। ओके शिवम मोरे। सर मैंने ये वाले क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया। कल क्लास में नहीं थे आप? सर मतलब मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था और फिर उसके पहले का भी टॉपिक उससे दो क्लास छूट गए तो मेरा पूरा जंबल हो गया है तो मैं अभी रिकॉर्डिंग देख के कर रहा हूँ सर सारे। ओके ठीक है कर लीजिए आप है ना नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। यस सर। वेदांत का हो गया। संजय संजय हो गया क्या? वेदांत आपका हो गया। संजय जी फास्ट जो जो कुछ नहीं बोल रहा उसको मैं आज एब्सेंट लगाऊंगा। एब्सेंट। हाँ संजय चलो जाने दो। तो इसे क्या होता है ना कि अभी एक पॉइंट दूसरा रिपीट नहीं कर सकता तो आपके दिमाग में एक क्विक रिवीजन होगा है ना कि कौन सा पॉइंट मैं याद करूं करेक्ट तो काफी अच्छा है। और इसी के बेस पे आगे हम क्विजेस भी कंडक्ट करेंगे पैनल डिस्कशन भी कंडक्ट करेंगे। ओके तो नाउ अब हम आगे आज बढ़ेंगे कोलिजन के कुछ अच्छे सवालों के ऊपर उन पे आज हम डिस्कशन करेंगे जेई में कैसे सवाल आते हैं। तो आज की क्लास की स्टार्टिंग करेंगे हम किससे एक जबरदस्त जेई के क्वेश्चन से आईआईटी जेई के क्वेश्चन से। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन इतना बड़ा है इतनी बड़ी लेंथ में सवाल पूछा गया है और वहां पे क्या करना है आपको कुछ भी पेन से कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना जस्ट आपको देख के ऑब्जर्व करके वहां पे आंसर निकालना है। चलिए सवाल करते हैं हम आईआईटी जेई 2009 का और वो सवाल कुछ ऐसा है। तो अभी तक देखिए सब कुछ आपने रिवीजन करा दिया मैंने आपको आपने एक दूसरे का रिवीजन करा दिया तो हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि जब हमारे पास मासेस इक्वल हो ये m है और ये भी m है अगर मान लीजिए u1 है ये u2 है तो इनकी वेलोसिटीज क्या हो जाती है एक्सचेंज हो जाती है ये बन जाता है आपका v2 और ये बन जाता है आपका v1
करेक्ट, ये आपने ये वेलोसिटी पढ़ रखी थी, ये वाला वेलोसिटी इसकी दूसरे की क्या क्या होती है भाई, एक्सचेंज हो जाती है, है ना। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या देखना है, क्वेश्चन देखना है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पे क्या है भाई, एक सर्कुलर ट्रैक है और इस सर्कुलर ट्रैक पे दो बॉडीज आई है आपके पास, है ना, दो बॉडीज है, एक बॉडी यहाँ पे ए और दूसरी यहाँ पे बॉडी बी। ओके, अब ए वाली जो बॉडी है इसका भी मास क्या है, एम है, और बी का भी मास क्या है, एम है, क्या दोनों का मास क्या है भाई, सेम है। अब यहां से पूछा गया आपसे और डाटा ऐसा दिया रखा है, इसकी वेलोसिटी वी है और इसकी वेलोसिटी टू वी है, इसकी वेलोसिटी वी है और इसकी वेलोसिटी कितनी है भाई, टू वी है। तो अभी सबसे सवाल में ये पूछा गया कि ये पॉइंट है कुछ, ये पोजिशन है, अभी आप इनको क्या करो, रिलीज कर दो। तो ये वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से कुछ यहाँ पे आएगा और ये वाला पार्टिकल टू वी की वेलोसिटी से कुछ इधर की तरफ आएगा, और इस पूरे रास्ते में, इस पूरे रास्ते में क्या होगी भाई, इन दोनों की कहीं तो एक जगह पे क्या हो जाएगी, दोनों की टक्कर हो जाएगी, है ना। आप देखिए ध्यान से, दोनों के मासेस क्या है भाई, सेम, दोनों के मासेस क्या है, दोनों के मासेस सेम है, तो क्या होगा, तुरंत अभी यहाँ पे इनकी वेलोसिटी एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएगी। फिर अभी ये वाला पार्टिकल इधर से 2v से जाएगा, ये वाला पार्टिकल v से जाएगा, और फिर कहीं ना कहीं यहाँ कहीं टक्कर होगी, करेक्ट। तो एक पार्टिकल एक बार यहाँ टक्कर होगी, एक बार यहाँ टक्कर होगी, एक बार यहाँ टक्कर होगी, करेक्ट। तो पूरे सर्कुलर पाथ में कहीं ना कहीं एक दो तीन जगह टक्कर होती रहेगी, करेक्ट। तो सवाल ये पूछा है कि कितने टक्कर होंगे, कितने टक्कर होंगे उसके बाद पार्टिकल फिर से इस पॉइंट पी पे बराबर फिर से पहुंच जाएगा, है ना। तो सवाल यह है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, दो आइडेंटिकल मासेस हैं, एक की वेलोसिटी वी है, एक की वेलोसिटी टू वी है, ओके। और आपसे पूछा गया कि कितने टक्कर के बाद वापस से दोनों पार्टिकल पी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो सवाल कुछ ऐसा है, लिखिए सवाल को, लिखिए, बोथ मासेस आर आइडेंटिकल, बोथ मासेस आर आइडेंटिकल, क्वेश्चन को आप लिखेंगे, बोथ मासेस आर आइडेंटिकल, both masses are identical and moving on a circular path, and moving on a circular path, both masses are identical and moving on a circular path with tangential speed, with tangential speed, speed v and 2v, okay? सवाल ये है आपके पास, after how many collisions? After how many collisions will they meet again at point P? चलिए सवाल को सोचिए आप थोड़ा सा, बिल्कुल इसमें पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं है और ये आसानी से सॉल्व होगा। Point P पे होंगे। At the third collision they will be at point P। कौन बोल रहा है आपके? ठीक है। Third collision, okay। तो देखिए IIT में क्या होता है ना, ये एक सवाल आते हैं कुछ, इनको बोलते हैं integer type question। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, आपको सवाल सॉल्व करना होता है और वहां पे ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, जीरो से लेके वन टू थ्री फोर ऐसे लेके नाइन तक ऑप्शंस होते हैं। तो वहां पे जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, उसमें क्या भर देना होता है, जैसे प्रतीक ने बोला आफ्टर थर्ड, तो उनको लिख देंगे हम थ्री, तो इनका आंसर हो गया थ्री, तो थ्री आंसर लॉक हो जाएगा, है ना, और करेक्ट होगा तो यू विल गेट प्लस फोर, करेक्ट नहीं होगा यू विल गेट माइनस वन। यस, बाकी बच्चे सवाल लिख लिए, पहले अच्छे सवाल लिखिए,
हाँ जी आंसर सारे बताइए। तो एक तो आंसर आया भाई थ्री, एक आंसर आया टू, एक आंसर आया थ्री। वेरी गुड, चलिए देखते हैं सॉल्व करके कि ये कितने कोलिजन के बाद क्या होगा, एक दूसरे के पॉइंट पी पे आएंगे। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम। बाकी लोग क्या लगता है कितने कोलिजन के बाद ये पॉइंट ए पे आएगा, सॉरी पी पॉइंट पे आएगा, कुछ नहीं लगता? तो चलिए देखते हैं सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये क्या है भाई, एक सर्कुलर ट्रैक है ना, और ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल इसके पास इधर के पास इसकी वेलोसिटी वी है, इसके पास इसकी वेलोसिटी कितनी है, टू वी है ना। तो अगर हम एक सेकंड की बात करें तो एक सेकंड में पहला पार्टिकल कितना जाएगा, वी इंटू टी डिस्टेंस जाएगा है ना। और एक सेकंड में अगर पार्टिकल बी की बात करें तो कितना जाएगा भाई, हो जाएगा आपका टू वी इंटू टी है ना। तो ये क्या है भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, करेक्ट ना। अभी देखिए क्या है भाई, ये सर्कुलर है, ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, करेक्ट। सो अगर मैं बात करूं तो देखिए इसकी वेलोसिटी क्या है, जस्ट इससे दो गुनी, और इससे क्या है भाई, ये इससे हाफ ऑफ द वेलोसिटी है। तो ऐसा करता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ, इस सर्कल को तीन भागों में बांट लेता हूँ, थ्री इक्वल पार्ट्स में इसको मैं क्या करता हूँ भाई, डिवाइड कर देता हूँ, करेक्ट। अभी मैंने सर्कल को थ्री इक्वल पार्ट्स में क्या किया, डिवाइड किया, ओके, एनी प्रॉब्लम? नो। अभी देखिए ध्यान से, तो आप इनको जब आपने t इज इक्वल टू जीरो पे क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, t इज इक्वल टू जीरो पे आपने इसको रिलीज किया। तो अभी देखिए सर्कल को थ्री इक्वल पार्ट्स में बांटा है, तो यानी कि जो v वाला है, ये v वाला पार्टिकल, a पार्टिकल ये चल के इधर चल के कहीं यहाँ पे आएगा, और टू v वाला पार्टिकल क्या होगा भाई, चल के यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि स्पीड क्या है भाई इसकी, ये दुगुनी है, और इसकी स्पीड क्या है, जस्ट इसके हाफ है ना, इसकी स्पीड हाफ है, इसकी स्पीड दुगुनी है, तो वो जस्ट दुगुनी स्पीड, दुगुनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और वो उसके हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। नाउ देखिए अभी यहाँ पे इनके पास टक्कर होती है, देखिए इसके पास वेलोसिटी कितनी है भाई, इसके पास वेलोसिटी v है, और इसके पास वेलोसिटी कितनी है, 2v है, इसके पास वेलोसिटी v और इसके पास वेलोसिटी 2v। चलिए आप यहाँ पे कैलकुलेट करके बताइए कि अब क्या होगा इसके पास, जस्ट कैलकुलेट, कैलकुलेट करें कि अब इसके बाद क्या होगा। तो इसके बाद अभी टक्कर होगी, टक्कर होने के बाद देखो क्या होगा भाई, यहाँ पे ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, करेक्ट। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी भाई, एक्सचेंज हो जाएगी वेलोसिटी, यानी कि मतलब ये वाला जो है ए है वो क्या होगा, इधर 2v से जाएगा, और ये वाला इधर जाएगा आपका v वेलोसिटी से। इज दिस क्लियर? तो पहला कोलिजन मैंने आपको बताया, पहले कोलिजन में ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल ए, अब स्पीड यहाँ पे वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई, और जो पार्टिकल ए है वो 2v से जाएगा, और पार्टिकल बी v से जाएगा। Yes, is this clear? हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? No doubt sir, clear. Everyone, यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा? ना, चलिए नेक्स्ट। अभी देखिए ध्यान से, सो अभी ये इसको 2v वेलोसिटी मिल गई, और इसके वेलोसिटी मिल गई v, है ना। ना देखिए, अभी एक अलग फिर से मैं डायग्राम बनाता हूँ। तो ऐसा डायग्राम बनाया, और यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो इस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट है, इस पे इसके पास अभी वेलोसिटी है इधर 2v, और इसके पास वेलोसिटी है v। आप फिर से अगर आप देखो ध्यान से, तो ये वाला किधर पहुंच जाएगा, ये वाला कुछ यहाँ पहुंच जाएगा, और ये वाला पार्टिकल कुछ यहाँ पहुंच जाएगा। मतलब अभी ये आया आपके पास वेलोसिटी 2v, वेलोसिटी से कुछ यहाँ पे आ गया, और ये वाला पार्टिकल आपका किधर जाएगा भाई, ये वाला पार्टिकल इधर है, करेक्ट। आई बात समझ में? तो देखिए इस बात को देखा ध्यान से, तो इसके पास अभी वेलोसिटी कितनी है, 2v है, और इसके पास वेलोसिटी कितनी है, v। अभी क्या होगा भाई, तो अभी होगी टक्कर, और होगी वेलोसिटीज इनकी एक्सचेंज। अभी होगा भाई टक्कर, और इनकी वेलोसिटीज क्या होगी, एक्सचेंज होगी। तो नाउ अभी देखिए ध्यान से, वेलोसिटी एक्सचेंज होगी, तो अभी क्या होगा, ये वाला जो है आपका, ये v वेलोसिटी से इधर जाएगा, और आपका जो ये वाला है पार्टिकल, ये इधर जाएगा 2v से। यस, हाँ भाई समझ रहे इस बात को? तो अभी मैं यहाँ पे तीसरा डायग्राम बना लूंगा। तो तीसरा डायग्राम में क्या होगा, देखिए, तो एक कोलिजन हो गया है ना, पहला कोलिजन हुआ, अभी यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं भाई, दूसरा कोलिजन करा रहे हैं, करेक्ट। तो दूसरे कोलिजन में क्या हुआ भाई, यहाँ पे पार्टिकल अभी कुछ यहाँ पे है, कहाँ पे, तो पार्टिकल अभी यहाँ इस पॉइंट पे, और फाइनली क्या हो गया कि एक पार्टिकल इधर जा रहा है 2v स्पीड से, और दूसरा पार्टिकल इधर जा रहा है कितनी स्पीड से, v स्पीड से, करेक्ट। एनी डाउट यहां तक किसी बच्चे को? कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं?
अभी देखिए ध्यान से, अभी देखिए फिर से, अभी यहाँ पे इस पोजीशन को एनालाइज करते हैं। तो ये है इसकी वेलोसिटी कितनी है v, तो अभी ये चल के यहाँ पे आएगा, और ये है भाई 2v, तो ये चल के अभी फिर से यहाँ पे। तो कितने कोलिजन के बाद पहुंचा भाई, कितने कोलिजन के बाद? तो ये हुआ आपका इधर कोलिजन नंबर 1, और यहाँ पे हुआ आपका यहाँ पे कोलिजन नंबर 2। तो आंसर है 2। दो कोलिजन के बाद क्या होगा, दो कोलिजन के बाद क्या होगा भाई, ये वापस से पी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। कितने लोग का आंसर आ गया, कितने लोग सोच पाए थे ऐसा? एक बच्चे का आंसर करेक्ट है। यस, एनी डाउट्स? तो है ना भाई, अच्छा सवाल, पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं, करेक्ट। और जब जेई में जब क्वेश्चन आते हैं तो कैसा आता है, बहुत वो लंबा चौड़ा लिखते हैं, ऐसा 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 ऐसा, काफी लंबा चौड़ा है ये बड़ा सा सवाल, इतना सा फिगर, देख के लोग काफी घबरा जाते हैं ना। तो थोड़ा सा आपको अपने अपने ऊपर भरोसा करना है, आपको सोचना है कि हाँ मुझे भी कुछ आता है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। दिस करंट कोलिजन इज थर्ड वन। देखिए प्रतीक, देखिए कि स्टार्ट हुआ है ना, पहली बार स्टार्ट हुआ, तो एक कोलिजन यहाँ पे, फिर दूसरा कोलिजन यहाँ पे। पहली बार कोलिजन हुआ नहीं है, पहली बार तो जस्ट स्टार्ट हो रहा है वो। देखिए ध्यान से यहाँ पे, देखिए सवाल देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा है। अभी यहाँ पे अभी तक जो हुआ उसको भूल जाए, ये इधर से वी जा रहा है और ये इधर से टू वी जा रहा है, तो कोलिजन पहला हुआ कहाँ पे? हमने यहाँ से स्टार्ट किया है ना, तो पहला कोलिजन एक बार यहाँ पे हुआ और दूसरा कोलिजन एक बार यहाँ पे हुआ, और दो कोलिजन के बाद वापस ये पॉइंट पे यहाँ पे पहुंच गए। हमें बस यही बताना है कि कितने कोलिजन के बाद ये इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, दैट्स ऑल, खत्म। हेलो एवरीवन, मेरी तरफ से एवरीथिंग इज ओके। फ्रीज हो गया? हाँ, आपका फ्रीज हुआ होगा। ओके, तो ये क्लियर है भाई सारे बच्चों को कि दो कोलिजन या तीन कोलिजन है ना। तो पहला कोलिजन हम कंसीडर, पहला कोलिजन हो ही नहीं रहा पहला कोलिजन, पहले टाइम पे तो क्या सेपरेट हो रहे हैं बस। ओके साक्षी, इज क्लियर? ओके चलिए अगला सवाल करते हैं, थोड़ा और अच्छा सवाल करेंगे। तो जेई के एक दो और सवाल करेंगे, फिर अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। तो ना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा है यहाँ पे। तो देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आवाज अटक रही है, ये सभी क्लियर है आवाज? अभी सुन पा रहे हैं आप लोग? माइक्रोफोन थोड़ा सा ढीला होने की वजह से ऐसा होता है। ओके देखिए नेक्स्ट, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ऐसा है। एक पार्टिकल यहाँ पे है ए, इसका मास है यहाँ पे एम, और अगला दो पार्टिकल यहाँ पे है, एक बी है, इसका भी मास एम है, दोनों ही क्या है, स्प्रिंग से बंधे हुए हैं, और ये तीसरा ब्लॉक है सी, इसका भी मास क्या है, एम। तो यहाँ पे तीनों का मास क्या है, एक है, एम ए इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू एम, सबका मास क्या है भाई यहाँ पे, इक्वल है। नाउ अभी आपसे सवाल ये पूछा गया कि ये जो ब्लॉक ए है, इसको हमने वी वेलोसिटी से क्या कर दिया, आगे की तरफ रिलीज कर दिया। कितनी वेलोसिटी से? तो वी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से हमने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, रिलीज कर दिया। नाउ आपसे पूछा गया सवाल, ये पूछा गया पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया, फाइंड द मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, इन द स्प्रिंग, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये था, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ऑफ सिस्टम व्हेन स्प्रिंग इज अंडर मैक्सिमम कंप्रेशन। Find kinetic energy of the system when spring is under
मैक्सिमम कंप्रेशन, जब मैक्सिमम कंप्रेशन है तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, करेक्ट? तो अभी देखिए यहाँ पे पहला हिंट आपको तो ये मिल सकता है कि देखिए आईटीजेई में 1, 2, 3 क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, है ना, पर इनका मतलब ये नहीं होता कि आपको पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है ना। तो हिंट मैं आपको देता हूँ कि आप क्या करो, दूसरे क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, इससे कुछ हिंट मिलेगा, फिर आप पहले सवाल को सॉल्व कीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोनों क्या है, अभी यहाँ पे इक्वल मासेस, तो ये मास आगे जाएगा टक्कर होगी तो फिर से बी में वेलोसिटी बी आ जाएगी और ए वाला क्या होगा, रुक जाएगा, ए वाले की वेलोसिटी हो जाएगी जीरो और बी वाला आगे की तरफ ऐसे मूव करेगा। ओके, तो चलिए आप एक मिनट तक इसको ट्राई कीजिए, दूसरे सवाल को पहले सॉल्व कीजिए, एक मिनट तक ट्राई कीजिए एवरीवन। यस, तो क्वेश्चन देखिए फिर से क्या है सवाल, सवाल ये है कि यहाँ पे तीन मासेस हैं, एक है आपके पास बी और एक सी, बी और सी क्या है आपका स्प्रिंग से बंधे हुए हैं, और यहाँ पे एक दूसरा मास है, तीसरा मास ए, और इन तीनों का मास क्या है, इक्वल है, ऑल थ्री आर हैविंग इक्वल मासेस। तो ये पहला मास एम, इसके पास है वेलोसिटी वी, है ना, तो वी वेलोसिटी से इसको आगे की तरफ रिलीज कर दिया गया। तो नाउ सवाल आपसे पूछा गया कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। अभी देखिए ए वाला ब्लॉक आके इसको क्या करेगा, टक्कर मारेगा तो क्या होगा, ये ब्लॉक बी आगे की तरफ जाएगा, तो इस स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, है ना। तो पूछा गया है कि बताइए मैक्सिमम कंप्रेशन क्या हो, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जब सिस्टम में जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाए, जब सिस्टम में क्या हो जाए, मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाए, तो उस टाइम पे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी क्या रहा होगा, ये पूछा गया आपसे। आई एम वेटिंग फॉर 1-2 आंसर्स, फिर मैं करता हूं एक्सप्लेन आपको। हाँ बच्चों देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे ना आपने स्प्रिंग और ब्लॉक्स कौन से चैप्टर में देखा था, तो आपने वर्क पावर एनर्जी में देखा होगा, ये स्प्रिंग और ब्लॉक का सिस्टम एक साथ। और वहां पे मैंने आपको एक ये सवाल पहले भी कराया था कि मैक्सिमम कंप्रेशन कब आती है ना। तो देखिए ध्यान से, दो ब्लॉक्स है ना, दो ब्लॉक्स है आपके पास। अभी देखिए ध्यान से कि जब भी आप स्प्रिंग पे कोई आप मास को अटैच कर दो और उस पर फोर्स लगाओ, है ना, जैसे एक ब्लॉक है, इमेजिन कीजिए एक क्या है आपके पास स्प्रिंग है, उससे हमने क्या किया, एक ब्लॉक को अटैच किया। ओके, स्प्रिंग है हमारे पास, उससे हमने एक ब्लॉक को अटैच किया, तो अभी ब्लॉक पे क्या होगा भाई, नीचे की तरफ mg लग रहा होता है, नीचे की तरफ क्या लग रहा होता है, mg। अभी ये mg फोर्स क्या कर रहा है भाई, स्प्रिंग को एक्सटेंड कर रहा है नीचे की तरफ,
करेक्ट। तो फिर हम इन टर्न देखते हैं कि जो स्प्रिंग है वो किधर फोर्स लगा रहा है, ऊपर की तरफ, करेक्ट। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपको ये बताया था अच्छे तरीके से कि स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग उधर फोर्स लगाता है जिधर वो नेचुरल लेंथ को क्या करे, अचीव कर ले, करेक्ट। कितने लोगों को ये बात पता है कि स्प्रिंग का फोर्स किधर लगता है, कितने लोगों को ये बात पता है कि स्प्रिंग का फोर्स किधर लगता है, सबको पता है, ईच एंड एवरी वन। हाँ जी, स्प्रिंग का फोर्स किधर लगता है, तो नेचुरल लेंथ अचीव करने की दिशा में, ओके, ये बात पता है ना। चलिए अभी देखते हैं, हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखते हैं। तो मैकेनिक्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें दो चार चैप्टर को ये मिला के पूछते हैं सवाल। तो मैं अभी यहाँ पे आपके पास वर्क फॉर एनर्जी भी इन्वॉल्व है, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन भी इन्वॉल्व है, कोलिजन्स भी इन्वॉल्व है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इन्वॉल्व। तो चलिए देखते हैं इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपके पास मास ए है और ये बी और सी, तीन मासेस आपके पास ऐसे हैं, और आपके पास जो ये मास ए है इसके पास वेलोसिटी वी इधर की तरफ है, और ये है बी और ये है आपके पास सी। बहुत ही आसान भाई, बहुत ही आसान। तो अभी देखिए, जो आपके पास वी है, तो अब मान लीजिए आया यहाँ पे और ये बी को इसने क्या किया, टक्कर मारा, बी को इसने टक्कर मारा और ये चला गया। तो अभी क्या होगा भाई, ये ए अभी क्या होगा, वेलोसिटी की एक्सचेंज हो जाएगी, ए एज इट इज यहाँ पे रुक जाएगा, और ये जो वी है, वी वाला इधर क्या होगा, इधर वी वेलोसिटी से इधर मूव करने लगेगा, है ना। इज दिस क्लियर, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? अजी, तो हम सब जानते हैं कि अगर मासेस क्या है, आइडेंटिकल है, तो क्या होगा, मासेस अगर आइडेंटिकल है तो क्या होगा, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। तो इसने क्या किया, बी को ऐसे टक्कर मारा, इसका मास एम, इसका मास एम, और क्या हो गया, ये यहाँ पे आगे वी वेलोसिटी से चलने लगा, वी वेलोसिटी से आगे चलने लगा। ओके, नाउ अभी देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो अभी आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेक होता है ना। तो आईआईटी में देखिए क्या पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता कि आप कितना जानते हैं, है ना। आईटी में ये पूछा जाता है कि आप एक कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से जानते हैं, कितने डेप्थ में जानते हैं, है ना, और उसी एक कॉन्सेप्ट को यूज करके आप कितना ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, आपसे वो पूछा जाता है ना। तो ना वो देखिए ध्यान से, अभी ये बी इधर की तरफ जा रहा है, बी इधर की तरफ जा रहा है, आप मुझे बताओ स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा, लेफ्ट में या राइट में? यस एवरीवन, अभी आप मुझे बताइए स्प्रिंग का फोर्स किधर लगेगा, बी के ऊपर। स्प्रिंग का फोर्स बी के ऊपर किधर लगेगा, राइट या लेफ्ट? राइट या लेफ्ट? यस लेफ्ट। यस, कहाँ लगेगा भाई, ये लेफ्ट में लगेगा। तो इस स्प्रिंग का फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, करेक्ट। तो बी के ऊपर स्प्रिंग का फोर्स इधर लगना चालू हुआ। नाउ अभी देखिए, सी बेचारा बिल्कुल ही इक्विलिब्रियम था इनिशियली, बिल्कुल ही क्या था भाई, ये इक्विलिब्रियम पे था, है ना। तो अगर आप देखो ध्यान से कि बी को धक्का दिया और ए और बी और सी दोनों क्या है भाई, ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है सी पे स्प्रिंग का फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। किधर लगेगा भाई सी का फोर्स, इधर की तरफ। और सी की वेलोसिटी इनिशियली क्या है, जीरो है, यानी कि अभी सी की वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। यस, यहां तक किसी बच्चे को डाउट, एनी डाउट एनी स्टूडेंट्स? हाँ भाई, यहां तक किसी बच्चे को डाउट? पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे, ईच एंड एवरी वन बताइए। मैं आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, बने रहिए मेरे साथ, सब कुछ समझ में आएगा। तो देखिए यहां तक क्लियर है। तो पहले मैंने आपको क्या बताया कि वेलोसिटीज क्या होंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी, वेलोसिटी एक्सचेंज होने के बाद बी है, वी वेलोसिटी से आगे जाएगा, है ना, और ये जो सी है अभी तो इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। अब स्प्रिंग से थोड़ा थोड़ा धक्का इसको भी लगना शुरू होगा और इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, करेक्ट। हाँ देखिए भाई, सी देखिए ध्यान से, समीर देखिए ध्यान से, ये देखो ये बी है और ये ऐसा यहाँ पे ये सी है, है ना। अब आपने क्या किया, सी के साथ कुछ नहीं किया, इनिशियली दोनों रस पे हैं, और आपने बी को इधर ठोक दिया, क्या होगा, बी को जैसे आपने धक्का दिया है, इंपल्स क्या होगा, इधर तक ट्रांसफर होगा और सी भी थोड़ा सा खिसक जाएगा। हाँ समीर बताइए, सी मूव करेगा नहीं मूव करेगा? आपने बी को क्या किया, धक्का किया, तो सी भी मूव करना स्टार्ट करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, करेक्ट। तो अब देखिए ध्यान से, यानी कि अभी यहां पे हम फोर्सेस को देखें, तो ये जो बी है इस पे स्प्रिंग का फोर्स इधर लग रहा है और सी पे स्प्रिंग का फोर्स इधर लग रहा है ना।
तो नाउ अभी देखिए इनिशियली तो बी के पास कुछ वेलोसिटी थी वी, करेक्ट है ना, तो अभी क्या हो गया भाई बी की वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होनी शुरू होगी बिकॉज स्प्रिंग का फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ, ओके। और यहाँ पे सी की वेलोसिटी क्या होगी भाई, इंक्रीज होनी शुरू होगी। सी की वेलोसिटी इनिशियली क्या थी भाई, जीरो थी, तो सी की वेलोसिटी इंक्रीज होनी शुरू होगी और बी की वेलोसिटी में थोड़ा डिक्रीज आएगा, है ना। तो मान लीजिए क्या था, पांच था तो कम हो गए, चार होगा कम हो गए, तीन होगा। सी की वेलोसिटी क्या थी, जीरो, तो बढ़ के कुछ होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, करेक्ट, आई बात समझ में। तो बी की वेलोसिटी क्या हो रही है भाई, घट रही है, और सी की वेलोसिटी बढ़ रही है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, बिकॉज स्प्रिंग फोर्सेस की वजह से ऐसा हो रहा है। यस, एनी डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट फटाफट सभी लोग बताइए। ओके तो ओके, कोई डाउट है तो लिख दीजिए आप, एक दो तीन चार, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं रिवाइज कराता हूं, पहले क्या करा है मैंने आपको, ए बी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, बी को टक्कर मारा तो बी को वेलोसिटी ट्रांसफर हो गई बिकॉज ए हमने देख लिया कोलिजन में, ओके, कोलिजन में हमने ये देख लिया। दूसरी बात क्या होगा, मैंने आपको ये बताया कि अभी स्प्रिंग फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, तो स्प्रिंग फोर्सेस क्या हो रहे हैं, स्प्रिंग फोर्सेस बी पे इधर डायरेक्शन में लग रहा है इधर की तरफ, और सी पे इधर की तरफ, ओके। तो नाउ अभी देखिए बी की वेलोसिटी यहाँ पे कम होनी शुरू हो जाएगी और सी की वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, ओके। नाउ अभी आपको अपनी मेमोरी में थोड़ा सा इजाफा करना होगा और आपको ये बताने थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वर्क पावर एनर्जी में मैंने आपको बताया था कि अगर ये देखिए ध्यान से, अगर कोई भी सिस्टम स्प्रिंग से ऐसे बंधा है ना, अगर कोई सिस्टम ऐसे स्प्रिंग से बंधा है, तो अभी देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए इसकी वेलोसिटी क्या है भाई, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मान लीजिए क्या है इसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, तो ये क्या करेगा, स्प्रिंग को ऐसे दबाएगा, है ना, और स्प्रिंग का इंपल्स जैसे ये पहुंचेगा तो ये इधर की तरफ जाएगा कुछ 10 मीटर 20 मीटर समथिंग ऐसे, है ना। तो देखिए अभी क्या कर रहा है भाई, ये तो इसको दबा रहा है और ये इसको खींच रहा है, करेक्ट। तो ये थोड़ा इसमें एक्सपेंशन कर रहा है ज्यादा, और इसमें क्या कर रहा है भाई, सॉरी, ये इसको कंप्रेस कर रहा है और इसको क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। अभी देखिए स्प्रिंग का फोर्स ऐसे बढ़ता जाएगा एक की तरफ और एक की तरफ कम होगा, तो इसकी वेलोसिटी घट के कुछ क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पे कुछ 30-40 हो जाएगी, है ना, स्प्रिंग फोर्स के हिसाब से। और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी कम से कम यहाँ पे 60-70 मीटर पर सेकंड। तो अभी ये इधर की तरफ खींच रहा है, इधर की तरफ कंप्रेस कर रहा है ना। तो दोनों ही केसेस में अगर आप देखो ध्यान से, तो एक दबाने की कोशिश कर रहा है और एक खींचने की कोशिश कर रहा है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम कॉम्प्रेशन दोनों ही केसेस में अभी नहीं आ पाएगा। तो मैंने आपको ये बताया था वर्क पावर एनर्जी में कि जब भी कोई दो मासेस ऐसे अटैच्ड हो, जब भी क्या हो भाई, दो मासेस अटैच्ड हो, तो एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जब इनकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होके जब इन दोनों की वेलोसिटी जब बराबर हो जाती है, तो उस टाइम पे मैक्सिमम कॉम्प्रेशन आता है, उस टाइम पे मैक्सिमम कॉम्प्रेशन आता है। कितने लोगों को याद है, कितने लोग को याद है वर्क पावर एनर्जी में आपको बताया गया था कि स्प्रिंग में क्या होता है, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन कब आता है, जब दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी क्या हो जाए भाई, इक्वल हो जाए, करेक्ट। तो अभी आपको ये पता चल गया कि दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी इक्वल होने से स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ओके। किसी बच्चे को कोई डाउट तो बताइए, बेझिझक होके बताइए, पूरा टाइम आपके लिए है। नो डाउट, बढ़ू मैं आगे? ओके सही, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सो नाउ देखिए ध्यान से, तो इस बात को आप लिख लीजिए, तो ये भी क्या होगा, एक थ्योरी हो गई, लिखिए लिखिए यहां से, when b moves then spring is compressed and spring force is developed and tries to slow down b and it speeds up c, okay,
Finally, for maximum compression, B and C will have equal speed. B और C की स्पीड क्या होगी? इक्वल होगी, तो उस टाइम पे क्या होगा? मैक्सिमम कंप्रेशन होगा. ये चार लाइनें आप लिख लीजिए. ओके, तो चलिए अभी सवाल करते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए सवाल क्या करना है आपको, दूसरा सवाल पहले कीजिए और पहले सवाल को बाद में कीजिए. तो देखिए दूसरा सवाल करेंगे, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन स्प्रिंग इज अंडर मैक्सिमम कंप्रेशन. तो इस सवाल को करेंगे सॉल्व. तो यहां पे आपके सामने क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से. तो हम जानते हैं टक्कर का सवाल होता है तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे टक्कर का सवाल है तो मोमेंटम कंजर्व होगा. सो पी इनिशियल विल बी इक्वल टू पी फाइन. ओके, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो सवाल ये पूछा है आपसे मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग. दूसरा सवाल ये पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम व्हेन स्प्रिंग इज अंडर मैक्सिमम कंप्रेशन. तो जान लीजिए मैक्सिमम कंप्रेशन होता है तो दोनों की वेलोसिटी क्या होती है, इक्वल होती है. तो हमने यहाँ पे मान लिया कि दोनों की वेलोसिटी क्या है, ये इक्वल है. एक सेकंड रुक जाइए. तो इसकी वेलोसिटी हमने मान लिया vx और इसकी वेलोसिटी vx. तो देखिए इनिशियली क्या था भाई, तो इनिशियली मोमेंटम था आपके पास m into v, क्योंकि एक ही ब्लॉक मूव कर रहा था, दूसरा ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था. तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया भाई आपके पास, m into v. ओके, चाहे लिख लो आप m into v plus 0 plus 0. क्योंकि इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0. इसकी वेलोसिटी 0, सिर्फ इसके पास वेलोसिटी थी v. तो ये हो गया आपके पास m into v plus 0 plus 0. अब फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो फाइनली अभी ये क्या हो रहा है भाई, फाइनली ये वाला अभी स्टॉप हो गया, इसकी वेलोसिटी हो गई 0. फाइनली इसकी वेलोसिटी हो गई 0 और इनकी वेलोसिटी इक्वल है. लिख देंगे m into vx plus m into vx, करेक्ट. हाँ जी, ये आ गया. नाउ देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम, m v is equal to twice of m into vx. नाउ देखिए m से m यहाँ पे क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया. तो देखिए vx की वैल्यू क्या आ गई भाई, v by 2 आ गई. यानी कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा है तो ये दोनों ब्लॉक्स v by 2 और ये बीच में स्प्रिंग है और ये v by 2 से इधर जा रहे हैं. तो चलिए अभी काइनेटिक एनर्जी पूछा है सिस्टम का, तो ये हमारा सिस्टम है, दोनों का मास दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वी बाई टू का होल स्क्वायर. कितने मासेस है ऐसे, दो मासेस है, मल्टीप्लाई कर दिया. तो अभी सॉल्व करेंगे, दो से दो क्या हो गया भाई, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया और ये आंसर आ गया आपके पास एम वी स्क्वायर बाई 4. दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. हाँ जी, लिख लीजिए. यस डन, ये हो गया. चलिए जिन बच्चों का इधर छूट गया वो भी लिख लीजिए यहाँ पे. लिख नहीं पा रहे तो बोलिए, प्लीज स्पीक अप, आई गिव टाइम. हाँ जी वेदांत, लिख लिया आपने? यस, बताएंगे लास्ट. नाउ देखिए ध्यान से, फिर से बता देते, एक बार सॉल्व कर देते. देखिए सभी लोग देखिए ध्यान से. तो पहला क्या क्वेश्चन क्या पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम व्हेन इट इज अंडर जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन में है सिस्टम, तब आप उसकी काइनेटिक एनर्जी बताइए, है ना. देखिए ध्यान से, तो ये है ब्लॉक ए, ये है बी और ये है सी, ये है बी और ये है सी, दोनों का मास क्या है, इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है ना.
तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, टक्कर हो रहा है। क्या हो रहा है भाई यहाँ पे, टक्कर हो रहा है। तो टक्कर हो रहा है तो क्या होगा भाई यहाँ पे, इसका जो मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, है ना। अभी देखिए दूसरी बात यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि मैक्सिमम कंप्रेशन जब हो रहा है ना तब बताइए, करेक्ट। तो यानी कि देखिए जब यहाँ पे इनिशियल कंडीशन देखे तो सिर्फ इसके पास वेलोसिटी वी है, जब फाइनल कंडीशन देखे, फाइनल कंडीशन का मतलब क्या है कि जब इनके बीच का क्या है भाई, मैक्सिमम कंप्रेशन है तब। और मैक्सिमम कंप्रेशन कब होता है, जब वेलोसिटी दोनों की क्या है, इक्वल है तब। तो मैंने मान लिया इसकी वेलोसिटी है vx, इसकी वेलोसिटी है vx, फाइनल पोजिशन, ओके फाइनल, है ना। अब मैंने क्या कर लिया, मोमेंटम कंजर्व कर लिया। तो p इनिशियल की वैल्यू कितनी थी भाई, m into v is equal to, फाइनल कंडीशन क्या है, फाइनल कंडीशन ये है, इस टाइम पे ब्लॉक a जीरो पे आ चुका है। तो इसको फाइनल क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको m into vx, तो आएगा आपके पास mv is equal to twice of mvx, और m से m कैंसिल हो गया और vx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास v by 2। यानी कि दोनों ही v by 2 और v by 2 स्पीड से आगे जा रहे हैं, ओके। यस कंचन बताइए, अभी क्लियर है, समझ में आया, ओके क्लियर। किसी बच्चे को कोई डाउट, और कोई डाउट, आपको सही लगा, आपका आंसर सही लग रहा है, किसी बच्चे को और कोई डाउट बताइए। हाँ क्या काइनेटिक, हाँ काइनेटिक एनर्जी निकालो ना भाई, ये ले काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। तो देखिए अभी सिस्टम क्या है आपके पास, तो सिस्टम ये दो ब्लॉक्स है, ये बी और ये सी, यही क्या है आपके पास सिस्टम है। तो इसकी काइनेटिक निकालिए, एनर्जी निकालिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए, ये लो निकाल लो, ये लो हाफ एम इंटू वी बाई टू का स्क्वायर प्लस हाफ एम इंटू वी बाई टू का स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आता है आपका कितना, एम बी स्क्वायर बाई फोर। हाँ जी, ये आंसर आपका आता है एम बी स्क्वायर बाई फोर, यही तो मैंने काम यहाँ पे भी किया, तो आंसर आ गया आपका एम बी स्क्वायर अपॉन फोर, ओके। नाउ चलिए अगले सवाल पे, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ओके नाउ देखिए नेक्स्ट, तो देखिए इस सवाल में क्या हो रहा है ना, चर्निंग की जा रही है, करेक्ट। तो पुराने जो आईटी के जो क्वेश्चन आते थे ना, उसमें मैंने आपको बताया भी होगा पहले, ये लोग अगर दो से तीन सवाल पूरा सॉल्व कर देते तो उनका सिलेक्शन हो जाता था, है ना। तो उसमें क्या बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ मिला के चर्न करते थे अच्छे से, है ना। चर्नी का मतलब समझते हैं ना, जैसे देखिए हम, ये आपके पास क्या है भाई, मिल्क, है ना। अभी इस मिल्क को क्या किया आपने, क्या कर दिया यहाँ पे, इसको कर्ड बना दिया, ठीक है। अब अगले दिन क्या किया, कर्ड में जितना इसका वॉल्यूम है, इससे थ्री टाइम्स मोर वॉल्यूम इसमें क्या किया आपने, ठंडा पानी डाल दिया, ठंडे पानी को डाल के आपने इसको क्या किया, ऐसे काफी चर्न किया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के चर्न किया, तो क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा बटर, ठीक है ना। बटर को फिर आपने इसको क्या किया, हीट किया, तो क्या निकलेगा भाई, वहां से निकलेगा गोल्डन कलर क्लेरिफाइड बटर, जिसको बोलते हैं घी, है ना। तो अभी सवाल को जितना आप चर्न करोगे ना, तो ऐसा ही क्या होगा आपको, और नए नए रियलाइजेशन आपको समझ में आएंगे, और नई नई बातें आपको निकल के आएंगी, करेक्ट। तो जो मैं गारंटी देता हूँ, अगले साल तक जो बच्चा इस सवाल को अगर जस्ट याद भी रखता है कि क्लास में कैसे सॉल्व हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन अगर कुछ भी आए वो सॉल्व कर सकता है वेरी इजीली, गारंटी इस बात की, है ना। तो ध्यान से देखिएगा। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, कि जो फाइनल कंप्रेशन आया वो कितना आया। अगला सवाल क्या पूछा गया आपसे, कि फाइनल कंप्रेशन जो होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन वो कितना होगा। तो देखिए ध्यान से, जब भी यहाँ पे दो चीजें इन्वॉल्व हो, देखिए ध्यान से, जब ये ब्लॉक वेलोसिटी वी से ऐसे मूव कर रहा है, तो इन दोनों में थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है, और ये जो तीसरा ब्लॉक है ना, ये भी इधर मूव कर रहा है, करेक्ट। और स्प्रिंग में क्या कंप्रेशन आया भाई, एक्स आया, करेक्ट। तो नाउ देखिए यहाँ पे एनर्जी का खेल शुरू हो चुका है, यानी कि हमें एक एनर्जी दिख रही है, काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी दिख रही है क्या, तो पोटेंशियल एनर्जी दो होती है, कौन कौन सी दो, हम पढ़ते हैं अभी अपने स्टेज में, कौन कौन सी, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ स्प्रिंग दब रही है, यानी कि क्या हो रहा है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, दैट इज हाफ एक्स स्क्वायर, करेक्ट, है ना। तो जब भी वेलोसिटी का चक्कर हो और स्प्रिंग में कुछ कंप्रेशन आ रहा हो और सवाल में कुछ भी पूछा गया हो, आप क्या लगाएंगे वहां पे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप वहां पे अप्लाई कर दीजिए,
दैट्स ऑल. तो चलिए हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट सवाल में देखो अभी कुछ नहीं है. सवाल में क्या था, सिर्फ इतनी सी बात थी कि मैक्सिमम कंप्रेशन कब होता है. तो मैक्सिमम कंप्रेशन तब होता है जब दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी इक्वल होती है. तब क्या होता है भाई, वहां पे मैक्सिमम कंप्रेशन. तो सवाल में कुछ नहीं था, एक तो था आपका वेलोसिटी एक्सचेंज का पॉइंट और दूसरा क्या था, मैक्सिमम कंप्रेशन कब होती. दैट्स ऑल, दो चीजें थी. तो चलिए फिर सब इसका हम ये निकाल लेंगे, ये कर लेंगे, एनर्जी कंजर्व करेंगे सिस्टम का, बिकॉज फ्रिक्शन है नहीं, बाहर से कोई फोर्सेस आ नहीं रही. तो चलिए देखिए ध्यान से. तो क्या लिखेंगे हम, k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल. u फाइनल में क्या आएगा भाई, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. चलिए भाई करके दिखाइए आप, एक बच्चे का आंसर आ भी गया. चलिए एक मिनट इसको आप सॉल्व कीजिए, वर्क फॉर एनर्जी का भी यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा अच्छे से. हाँ जी करे सॉल्व. प्रतीक का आंसर आएगा अभी तुरंत. यस प्रतीक निकालिए आंसर, बाकी बच्चे भी ला सकते हैं. समीर सूरज कंचन कौस्तुभ ने बता दिया. हाँ निकालिए आप सब लोग आंसर. कर रहे हैं भाई सभी लोग, मैं कर दूं भाई, मैं करूंगा सॉल्व. अरे कुछ तो बोलो, मैं करूं सॉल्व. ठीक है देखिए, तो सूरज ने सरेंडर कर दिया. तो नाउ देखिए ये ब्लॉक है, तो इनिशियल ये वाला स्टेट है ना, ये स्टेट क्या है भाई आपका, इनिशियल स्टेट है. सो इनिशियल स्टेट में काइनेटिक एनर्जी लिखे तो हमें तीनों ब्लॉक्स की लिखनी पड़ेगी, है ना. तो वेलोसिटी सिर्फ इसके पास, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो. ओके सब ग्राउंड पे ही है, कहीं ऊपर ही हाइट आ नहीं जा रहा है, नीचे ऊपर नहीं जा रहा है. तो यानी कि क्या हो गया भाई, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे नहीं है, नहीं है, नहीं. ओके तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी नहीं है और यहाँ पे इनिशियली स्प्रिंग में कुछ भी कॉम्प्रेशन या इलांगेशन तो नहीं हो रहा. तो कॉम्प्रेशन और इलांगेशन नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हो गया, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही. ओके नेक्स्ट दूसरी बात, फाइनल स्टेट में क्या हो रहा है, ये जीरो पे है और ये जो दोनों आपके जो मासेस हैं ये इक्वल वेलोसिटी v by 2 और ये v by 2 से मूव कर रहा है फाइनल स्टेट में. तो अभी देखिए, और इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम इंटू वी बाई टू का स्क्वायर प्लस हाफ एम इंटू वी बाई टू का स्क्वायर प्लस u फाइनल. u फाइनल कितना है, तो u फाइनल का लिखेंगे हम हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग का कांस्टेंट हम k मानेंगे. ओके अब यहां से हम x की वैल्यू सॉल्व कर देंगे. तो चलो भाई इतना काम कर दो आप लोग मेरे लिए, x की वैल्यू सॉल्व करके दिखाइए. उससे पहले आप मुझे ये बताओ, क्या ये समझ में आया कि इक्वेशन कैसे लिखा मैंने, ये इक्वेशन कैसे लिखा, k इनिशियल u इनिशियल और k फाइनल u फाइनल का इक्वेशन ये कैसे लिखा मैंने, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट. किसी बच्चे को कोई डाउट बताइए, फिर से एक्सप्लेन करूंगा मैं. ओके चलिए आंसर निकाल के बताइए, डाउट नहीं है तो एक्स की वैल्यू निकाल के बताइए, चैट में लिखिए एवरीवन. प्रतीक का आंसर आया, अथर्व का आंसर आया, रोशन वर्मा का आंसर आया, वेरी गुड. बाकी लोग निकाले आंसर, लिखे चैट में. तो
चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको. देखो आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इधर राइट हैंड साइड में क्या लिखा है आपको, एम वी स्क्वायर बाई टू लिखा है इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है आपका एम वी स्क्वायर बाई फोर. ये दोनों को आप जब मिलाते हो ना तो आ जाता है आपका एम वी स्क्वायर बाई फोर प्लस जाता है हाफ के एक्स स्क्वायर. ओके आता है आपका एक्स स्क्वायर. नाउ आप इसको अगर सॉल्व करो तो इधर आ जाएगा आपके पास एम वी स्क्वायर बाई टू माइनस एम वी स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू ये आएगा आपके पास हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना. तो अभी देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, अट्ठन्नी में से चौवन्नी को आप घटा रहे हो. देखो हाफ का फैक्टर ये वन बाई फोर है, हाफ कितना होता है 0.5, ये 1/4 कितना होता है 0.25. तो 0.5 में से माइनस किया आपने 0.25 तो क्या आएगा, चवन्नी आएगा आपके पास. चवन्नी का मतलब एम वी स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना. तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, दो से दो क्या हो गया, कट गया. तो यहाँ पे आपके पास है एम वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू आपके पास के एक्स स्क्वायर. एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास सॉल्व करके, एक्स की वैल्यू आती है यहाँ पे v under root of m by 2k. This is well celebrated question. इसपे दो तीन बार कॉन्सेप्ट पे पूछा गया है. यही सिर्फ कॉन्सेप्ट को देखता है कि कितनी डेप्थ में आपको कॉन्सेप्ट तो पता है. ओके किसी बच्चे को कोई डाउट, काफी लोग का ये आंसर आ गया. ओके चलिए एक बार फिर से सवाल को रिवाइज कर लेते हैं ना, क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. भले ही थोड़ा हैवी है बट सीखना तो पड़ेगा हमें, है ना. बस मैं आपको आसान आसान क्वेश्चन करा के मैं आपको कुछ नहीं रख सकता बिकॉज करना तो पड़ेगा, है ना. तो इसलिए टफ सवाल भी हमें करने पड़ेंगे. ओके और देखे तो ये टफ है नहीं है, काफी आसान है ये. तो देखिये दूसरे अभी फिर से स्टार्ट करते सवाल को. तीन मासेस थे और ऐसा बताया कि की वेलोसिटी वी है, दो वेलोसिटी दो मासेस रेस्ट पे है और ये पूछ रहे सवाल क्या पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग बताइए और दूसरी बार ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम व्हेन स्प्रिंग इज अंडर मैक्सिमम कंप्रेशन. दो सवाल पूछे इन्होंने. तो हमने क्या किया, पहली बार इनकी टक्कर हुई, टक्कर हुई तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई. ये पहला वी ए मास जीरो पे आ गया, दूसरा जो बी है वो बी वेलोसिटी से आगे जाने लगा. और फिर क्या हुआ भाई, फिर मैंने आपको ये बताया कि बी की वेलोसिटी थोड़ी कम होनी शुरू होगी और सी की वेलोसिटी बढ़ेगी. दोनों की वेलोसिटी जब एकदम बराबर हो जाएगी तो क्या होगा, वहां पे उनमें एक मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा. मैक्सिमम जब कंप्रेशन आएगा तो सॉरी दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी तो मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा. यहां तक हमने देख लिया तो दो कॉन्सेप्ट लगा दिए, एक तो वेलोसिटी एक्सचेंज का और दूसरा मैक्सिमम कंप्रेशन का. ये वेलोसिटी जब बराबर हो तो क्या होगा, उनमें मैक्सिमम कंप्रेशन होगा. ओके नाउ देखिए दूसरी बात हमने क्या यहाँ पे सीखी कि जब कोलिजन होता है तो मोमेंटम कंजर्व रहता है. तो मैंने क्या किया, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को क्या किया, इक्वेट किया. इक्वेट करने के बाद यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी आ गई वो आ गई v/2 आ गई और उससे मैंने क्या करा, काइनेटिक एनर्जी निकाली सिस्टम की तो वो मेरे पास आया mv2/4. ओके नेक्स्ट क्या था, मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा है तो मैंने यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दिया. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया तो फिर क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू आ गई मैक्सिमम कंप्रेशन और ये रहा हमारा आंसर. दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. ओके एक बार आप फिर से आप खुद से एक बार रिवाइज कीजिए एक सेकंड में, विद इन अ सेकंड. और कुछ डाउट हो तो पूछिए और घर में आप जाके फिर से एक बार भी खुद से एक सवाल करना, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कोलिजन्स में, कुछ और केसेस देखते हैं. तो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको ज्यादा नहीं पढ़ाया कोलिजन में. अभी जस्ट क्या चल रहा है हमारा, हेड ऑन कोलिजन चल रहा है ना. और हेड ऑन कोलिजन में हमने क्या देखा अभी तक कि v1 कैसे निकालना है, v2 कैसे निकालना है. एक तो ये बात सीखी हमने. ओके और दूसरी बात हमने क्या सीखी, दूसरी बात हमने ये सीखी कि v1 का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है इतना बड़ा सा, v2 का डायरेक्ट फॉर्मूला इतना बड़ा होता है. ओके और तीसरी बात अभी हमने ये सीखा कि जब दोनों मासेस इक्वल है तो वेलोसिटीज क्या हो जाती है, इनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है. जस्ट इसके वो आगे मैंने क्या किया, दो वेरी गुड बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं जस्ट. तो अभी तक हमारी गाड़ी कहाँ तक है भाई, यहाँ पे है. कहाँ पे है कि हेड ऑन पढ़ा, v1 निकालते हैं v2 निकालते हैं, मासेस इक्वल हो जाते हैं तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है. तो कॉन्सेप्ट वाइज अभी हम कहाँ पे, सिलेबस वाइज यहीं तक.
नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इसी में इस केस को अभी थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे कि क्या होता है जब एक बॉडी बहुत ही भारी हो और एक बॉडी क्या हो बहुत ही हल्की सी हो, उनमें अगर कोलिजन हो तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बॉल है आपके पास, और क्या है भाई आपके पास एक बहुत ही हेवी वॉल, वॉल इज देयर एंड वॉल इज वेरी हेवी, ओके वॉल क्या है बहुत ही क्या है हेवी है, तो वॉल को हमने क्या देखा वॉल की तरफ, करेक्ट, वॉल का मास हो गया m1, वॉल का मास क्या हो गया भाई m2, एंड इन दिस केस m2 इज वेरी 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 हेवी, तो जो बॉल टकराएगी तो क्या होगा, है ना, वो केस को अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। यस डाउट, ट्रक और बाइक भी बोलेंगे, यस वो सब भी सीखेंगे। तो नाउ हेडिंग डालिए नेक्स्ट केस, हेडिंग डालेंगे हम one mass is too big in front of other, दूसरे के कंपैरिजन में क्या हो भाई बहुत ही ज्यादा हो। तो सपोज यहाँ पे मान लिया हमने दिस इज m1, ये वेलोसिटी से जा रहा है कितने u1 वेलोसिटी से, ये मास है m2, ये जा रहा है आपका u2 वेलोसिटी से, और फिर से इनकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2, ओके सो हमें पता है कि v1 और v2 का हम कैसे निकालते हैं, तो v1 का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे क्या, देखिए बहुत ही आसान है फॉर्मूले को याद करना भी, m1 माइनस m2 ऊपर नीचे m1 प्लस m2 इनटू u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू u2, है ना, ये फॉर्मूला है आपके पास। देखो याद करना बहुत ही आसान है, देखिए v1 निकालना है तो v2 को याद नहीं करेंगे, करेक्ट, तो ऊपर देखिए m1 माइनस m2 नीचे m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई u1, और इधर क्या है ट्वाइस ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई u2, तो v1 आपके पास ये है और v2 की वैल्यू क्या है, ये तो v2 की वैल्यू ये आती है m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इनटू u2 प्लस ट्वाइस ऑफ m1 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू u1, ये आया हमारे पास v1 और v2 की वैल्यू। तो इसको देखिए हम क्या करेंगे, अभी हम एनालाइज करेंगे। तो फॉर्मूलाज आप अपने पास लिख के रखिए एक पेज पे, किधर तो आप लिख के रखो कि जब भी मैं एक्सप्लेन करूं तुरंत आप इसको देख सको, लिखना चाहे तो अभी आप लिख भी सकते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक मिनट में लौटा मैं, लिखिए तब तक आप इसको। हाँ बच्चों, ओके यहां तक लिख लिया, चलिए अभी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट केसेस, अभी हम यहां पर डिस्कस करेंगे पहला केस, इफ m2 वैल्यू ऑफ m2 इज मच मच ग्रेटर देन m1 एंड m2 इज एट रेस्ट इनिशियली, क्या आप इसके एग्जांपल सजेस्ट कर सकते हो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। दो बॉडी जो है बताइए, एक बॉडी बहुत भारी हो और एक बॉडी रुकी हुई, suggest me some cases, m2 बहुत ही भारी हो और m2 is at rest, तो देखिए मैं एक तो एग्जांपल ऐसे देख सकता हूं कि क्या है भाई आपका एक वॉल है ना, और यहां पे हमने एक बॉल फेंका, तो दिस इज m1 एंड दिस इज m2, एक तो मैं ये सोच सकता हूं, दूसरा क्या है भाई यहां पे एक बहुत हेवी ट्रक है और यहां पे एक छोटा बच्चा साइकिल से ऐसे जा रहा है, तो दिस इज m1 एंड दिस इज m2, तो क्या बता सकते हैं क्या होगा जब ऐसी की जब टक्कर होगी तो,
यस बताइए, लायन एंड माउस, ओके लिखा आपने एग्जांपल, वेरी गुड, ट्रक और बाइक, वॉल एंड बॉल, स्टोन एंड एंट को कुछ नहीं होता, एंट इज वेरी 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 इनसिग्निफिकेंट, अर्थ एंड गैलेक्सी देखा है क्या आपने, लायन एंड माउस, ओ नो, वॉल एंड अर्थ में भी हो सकता है, लायन एंड माउस, लायन माउस तो किधर से भी निकल जाएगा, रॉन्ग एग्जाम्पल, वेरी गुड, नाउ देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे, तो नाउ देखिए ध्यान से, M2 क्या है भाई, इनिशियली रेस पे है, मतलब ये M2 है, मतलब इसका जो U2 है ये जीरो है, M1 के पास सिर्फ U1 है, M2 का U2 क्या है भाई, जीरो है, और ये M1 की वेलोसिटी इनिशियली U1 है, तो नाउ चलिए सॉल्व करके हम यहाँ पे देखते हैं, तो सॉल्व करके भी देखेंगे, तो देखिए ध्यान से, अगर ये मास क्या है, बहुत ही हेवी है, ये मास क्या है भाई, बहुत ही हेवी है M2, और ये मास अगर आपका क्या है M1, है ना, तो अब ये बहुत ही हल्का है और ये क्या है भाई, बहुत ही भारी है, यानी कि अभी देखो, मान लो मैं मानता हूँ दिस इज वॉल और ये बॉल, वॉल का जो वेट होता है करीब करीब 1000 ब्रिक्स होंगे, सीमेंट होगा, सैंड होगा उसमें, तो इसका जो मास होगा करीब 10,000 केजी होगा, बॉल का मास कितना होगा 100 ग्राम, हड्डी ज्यादा से ज्यादा मान लो 250 ग्राम, हाफ केजी, उससे ज्यादा तो नहीं, तो 10,000 किलोग्राम के कंपैरिजन में M1 क्या है, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट, तो जब भी कभी केस ऐसा होता है कि M2 is much much greater than M1, तो इसमें हम क्या मान लेते हैं कि M1 is negligible in comparison of M2. Okay? तो चलिए टक्कर के बाद V1 क्या आएगा, हमें ये देखना है, ये निकालना है, तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है V1 का, तो V1 क्या है भाई, V1 का फॉर्मूला है हमारे पास M1 minus M2 upon M1 plus M2 into U2 plus twice of M2 upon M1 plus M2 multiplied by U2. Okay? Correct? नहीं, U1, यहाँ पे U1. Now देखिए M1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई, जीरो है. M1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जीरो. तो यहाँ पे ये conditions put कीजिए तो ये क्या आएगा आपके पास, V1 is equal to M1 की वैल्यू जीरो put किया तो यहाँ आपके पास minus of M2 upon M2 into U1. Okay? M1 ये क्या हो गया भाई, जीरो हो गया, डिसअपियर हो गया. नाउ प्लस, अभी देखिए यहाँ पे प्लस क्या हो गया भाई, ट्वाइस, ये देखिए ध्यान से, ये पूरा का पूरा टर्म इसमें आप मत देखो, U2 देखिए, U2 क्या हो गया भाई, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बिगर वॉल, दिस बिगर ब्लॉक, ये जो बिगर ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये है आपका U2, ये तो है जीरो, ये जीरो है, तो पूरा का पूरा ये लॉक क्या हो गया भाई, खत्म हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया यहाँ पे, ये पूरा पूरा खत्म हो गया. तो अभी देखिए, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया जीरो, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हो गया, तो V1 will be equal to minus of, okay, V1 equal to क्या हो गया, minus of U1. तो अभी आपने इसको इसको सॉल्व किया तो V1 equal to minus U1 आ गया, इसका मतलब क्या है कि आपके पास क्या है भाई, ये वॉल है, ये जीरो पे था, मान लीजिए ये इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, टक्कर खाएगा, और टक्कर खाने के बाद कंडीशन क्या हो जाएगी, ये फिर से वापस लौट के जा रहा है माइनस 5 मीटर पर सेकंड. ओके, तो इस तरह आप इसको याद रखें, मैथमेटिकली भी देख लिया और ऐसा एक्सपीरियंस भी आपको कभी ना कभी हुआ होगा. ओके, देख लीजिए, लिख लीजिए सभी लोग, नोट्स बनने चाहिए सबके. Done, everyone? Okay, next case abhi discuss karenge. Now, दूसरा दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तो आपको M1 M2 में कंफ्यूजन है, उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी देखिए दूसरा एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि मान लीजिए बहुत बड़ा ये ट्रक है ना, और ट्रक चल रहा है, ट्रक के पास वेलोसिटी अभी यहाँ पे U1, और अभी यहाँ पे छोटा वाला मास है, मान लीजिए कोई स्कूटर
है ना, स्कूटर साइकिल एनीथिंग. तो दिस इज अभी ये है आपका M1, ये है M2, और अभी ये बहुत जो हेवियर मास है ये आके टक्कर मार रहा है M2 को, तो क्या होगा अभी ये देखना है ना. तो दूसरा केस अभी आपके पास कुछ ऐसा बन रहा है कि इफ M2 इज मच मच ग्रेटर देन, सॉरी इफ M1 इज मच मच ग्रेटर देन M2 एंड M2 इज एट रेस्ट, और M2 किधर है, रेस्ट पे है ना, तो क्या होगा. तो फिर से तो कंडीशन आप सबको समझ में आ गई कि जब एक बहुत हेवियर मास एक स्मॉलर मास को आके टक्कर मार रहा है, और स्मॉलर मास अभी कहाँ पे है, रेस्ट पे है. सो यहाँ पे लिखेंगे U2 इज इक्वल टू 0. कंडीशन आप सबको पता ही है, ये हो गया आपके पास M1, ये वेलोसिटी से U1 से जा रहा है, और ये है M2, इसकी वेलोसिटी U2 कितनी है, 0 है. फिर बाद में हमें देखना है कि क्या होगा, है ना, V1 की वैल्यू क्या होगी और यहाँ पे V2 की वैल्यू क्या होगी, ये देखना है. तो आप करेंगे जरा सॉल्व पिछले सवाल की तरह. तो आपको निकालना है व्हाट विल बी द V1, V1 की वैल्यू क्या होगी और V2 की वैल्यू क्या होगी. हाँ जी, जरा सॉल्व करके दिखाइए. सॉल्व करके दिखाइए, चलिए. आज एक आंसर आएगा, बताइए V1 क्या आएगा. V1 इज इक्वल टू E1. वेरी गुड कास्तु कंचन, वेरी गुड. हाँ बाकी लोग, तो आप V1 और E1 का फॉर्मूला लिखिए, V1 और V2 का फॉर्मूला आप लिखिए, बहुत आसान है, मेरे को भी याद हो गया. V1 का फॉर्मूला क्या है, तो V1 का फॉर्मूला है हमारे पास M1 minus M2 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय U1 प्लस ट्वाइस ऑफ M1 अपॉन M1 प्लस M2 इनटू U1. हाँ जी, ये है आपका फॉर्मूला. तो अभी देखिए इसमें आपको क्या करना है, M2 को 0 के बराबर पुट करना है. तो देखिए M2 को आपने 0 पुट कर दिया, तो क्या हुआ, कुछ हुआ क्या सॉल्व. तो M2 को आपने यहाँ पे देखिए 0 पुट कर दिया, तो U2 तो क्या है आपका 0 है. देखो M2 यहाँ पे अगर 0 पुट करोगे, यहाँ पे ये हो गया 0, ये हो गया आपका यहाँ पे 0, है ना. तो V1 अभी यहाँ पे मैं लिखूं, सो इट विल बी यहाँ पे बनेगा M1 अपॉन M1 इंटू U1, और इधर देखे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास M1 की वैल्यू को, सॉरी इसमें M2 को 0 पुट किया है, कोई बात नहीं. तो देखिए ये आ जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ M1 अपॉन कहीं तो गड़बड़ हो रही भाई, यहाँ पे आपके पास आ गया M1 प्लस 0 इंटू U1. M1 से ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो U प्लस 2 U3 U1 आ रहा है मेरा तो. हाँ जी बताइए किधर गड़बड़ हो रही है. तो सर सेकंड वन U2 ना सर, ओके ये U2 है, वेरी गुड. चलिए थैंक यू सर. यहाँ पे ये क्या है, U2 है, U2 की वैल्यू 0 है, तो पूरा का पूरा हो गया 0. देखिए V1 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, U1 बराबर है ना. तो ये आ गया, यानी कि ये जो ट्रक है, ट्रक स्कूटर को टक्कर मारता है, तो ट्रक की वेलोसिटी में कुछ भी चेंज नहीं आता, V1 होता है ना. नाउ देखते हैं ये इसकी वेलोसिटी क्या आ रही है, तो V2 की वैल्यू क्या आ रही है. तो देखिए V2 की वैल्यू आई क्या किसी बच्चे की, V2 की वैल्यू देखिए, V2 देखते हैं हम. तो V2 का फॉर्मूला मैं लिखता हूं, सो V2 इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 into U2 plus
twice of m1 upon m1 plus m2 into u1. Okay, तो इसको मैं लिखूंगा तो आएगा हमारे पास minus of m1 upon m1 into u2 plus twice of m1 upon m1 into u1, है ना? So u2 की वैल्यू तो क्या है भाई, जीरो है, तो ये पूरा का पूरा हो गया जीरो. M1 से M1 cancel out हो गया, ये देखिए B2 is equal to मतलब क्या होगा, twice of U1. बहुत ही गंदी बात हो गई, बहुत ही गंदी हालत, गंदी हालत हो जाएगी इसकी, गंदी हालत हो जाएगी. इसका मतलब देखिए क्या है, मान लीजिए ट्रक आ रहा है कितने से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना, ये रहा यहाँ पे छोटा स्कूटर, तो यानी कि अभी इसकी जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़े गए, है ना, स्पॉट डेथ, जो भी है वहां पे तुरंत मर जाएगा, वहां पे कोई बचाने के लिए उनको नहीं आएगा. तो अगर ये 100 से जा रहा है तो ये उड़ेगा स्कूटर कितने से, 200 से. हाँ जी, करेक्ट. चलिए, तो ये सब आपने सीख लिया, इसी के बेसिस पे एक सवाल करेंगे सभी लोग. सवाल करके लाओ आप भाई, होमवर्क में करके लाओ, बहुत हो गया आज के लिए. तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो डाउट, वेरी गुड. देखिए ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये इधर की तरफ, ये आपका है M1. होमवर्क में एक सवाल लेके जाइए बस, और ये है आपके पास M2. ये अभी M2 भी इधर मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड, है ना, और दिस इज कंसीडर्ड दैट M2 इज मच 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 ग्रेटर देन M1. ओके, तो ये जो 2 मीटर का जो है, दो सॉरी, ये M1 जो है, इसकी फाइनल वैल्यू बताइए, इसकी फाइनल वेलोसिटी बताइए आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी V1 की. ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, -2 मीटर पर सेकेंड, -4 मीटर पर सेकेंड, -3 मीटर पर सेकेंड, -1 मीटर पर सेकेंड. चार ऑप्शन है आपके पास, इसको आप होमवर्क में सॉल्व करके. ओके, हाँ बच्चों, कोई किसी बच्चे कोई डाउट आज की क्लास में? एनी डाउट, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो बताइए, अभी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, आप यहाँ पे रुक जाइए और मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा जो कुछ भी डाउट हो. तो देखिए घर पे जाके जो जो भी सवाल करा है ना, आप इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए, अच्छी चर्निंग हो जाएगी उसकी. ओके, नहीं पूछना, चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते कल की क्लास में. चर्निंग मतलब मतना, है ना, जैसे मान लो कि कोई एक बुक आपने पढ़ लिया, है ना, बुक पढ़ लिया, फिर मैंने आपसे पूछा कि बताओ आपने क्या पढ़ा, तो आपने क्या किया, 4-5 पॉइंट्स बता दिए, ठीक है, और मे बी एक पॉइंट आप मिस कर गए होंगे, सब पॉइंट बताया नहीं होगा, फिर बुक को आप दोबारा जाके पढ़ते हो, है ना, मतलब बुक को दोबारा आप क्या कर रहे हो, चर्न कर रहे हो, आपको और कुछ नया मिलेगा, तीसरी बार पढ़े और मोर पॉइंट्स मिलेंगे रिफाइंड आप, है ना, तो इसको हम बोलते हैं चर्न करना, किसी भी टॉपिक को चर्न करना, इतना पढ़ा कि बस हो गया, सब कुछ याद हो गया. ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल की क्लास में, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा इफ एनी कम्युनिकेशन चार्जर, अटेंडेंस लगाइए. ओके, कोई डाउट नहीं, किसी बच्चों को कुछ नहीं पूछना. चलिए, थैंक यू वेरी मच, एंडिंग क्लास हियर. आपको मेन नेट से बोला देना चाहिए.